इंडियन कन्वेंशन सेंटर में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बुधवार दोपहर को व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। मंदसौर, नीमच और रतलाम से आए करीब 47 व्यापारियों ने बीसीसी के बाहर हंगामा करते हुए उनसे पैसे लेने का भी आरोप लगाया है। बीसीसी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मंदसौर, नीमच और रतलाम से आए करीब 47 व्यापारियों ने बीसीसी के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि हंगामा आयोजन में एंट्री को लेकर हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि हमें आयोजन के लिए आमंत्रण दिया गया और हमसे किसी से 2000 तो किसी से 6000 रुपए तक पैसे भी लिए गए। इसके बाद भी जिम्मेदार हमारे 2 दिनों से फोन नहीं उठा रहे। आपको बता दें कि मंदसौर, नीमच और रतलाम के करीब 47 बड़े बड़े व्यापारी है जो बीसीसी के बाहर हंगामा कर रहे हैं। इस सब हंगामे के पीछे किसी शुभम दुबे का नाम सामने आ रहा है। मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी वरुण पोरवाल का कहना है कि वो हमारे पास आए और हमारे साथ प्रोग्राम कर हमें आमंत्रण दिया, उसके बाद भी हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। आप 8 दिन से क्या कर रहे थे? आपने 8 दिन पहले बुलाया था, इनवाइट किया, 8 दिन से क्या कर रहे थे? आपने बुलाया, आपने नीमच व्यापारी है, आपने इनवाइट किया है? अरे लाइन में लगी है सर, चलिए ठीक, आप यहीं रहिए, आप कहीं मत जाइए। फीओ के शुभम जी जिसको बुलाया है, शुभम दुबे, फीओ से शुभम दुबे हमसे कहते हैं कि हम रुपए वापस कर देंगे, हमारा 1 दिन की वैल्यू नहीं है, रुपए वापस कर देंगे आप हमको, 1 दिन की वैल्यू नहीं है हमारी। वरुण पोरवाल नाम है मेरा, मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज से। आपका मोबाइल नंबर नहीं, यहाँ तो अभी नहीं ले सकता सबके सामने, आप मेरे से अकेले में ले लीजिएगा। मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये मेरे पास रतलाम, नीमच, मंदसौर के व्यापारी है। हमने सीओ वाले हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोग्राम करा, उसके बाद हमें कहा कि हम आपको बायर सदर मीट करवाएंगे, एक बायर से हम कम से कम 5 बायर से आपको खिलवाएंगे, और यहाँ हमें धूप में खड़ा करके छोड़ दिया इन लोगों ने। हम इनसे 2 दिन से, और ये 2 दिन से कह रहे कि मेल आएगा, क्यूआर कोड आएगा, कोई मेल नहीं आया, हमसे फीस गली सब कर लिया। एक सप्ताह पहले बुकिंग हुई थी और 1 वीक टाइम मिलने के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हम सुबह से 10:30 बजे से परेशान हो रहे हैं, 10:30 बजे से परेशान हो रहे हैं हम 47 व्यापारी मंदसौर, नीमच, रतलाम से, और हमारा फोन पिकअप नहीं करा जा रहा, हमसे बात नहीं करी जा रही। हम क्या चोर है? हम व्यापारी अपना काम छोड़ के आए। फीओ के शुभम जी, शुभम दुबे जी कहता है कि हम आपको रुपए वापस कर देंगे, हमारी वैल्यू क्या 2000 रुपए 1 दिन के लिए। हम वहाँ से आए मंदसौर नीमच से, नहीं हमें अंदर जाने देंगे, हम अंदर जाके दिखाएंगे, क्योंकि हम आए हैं, हमको फीओ ने बुलाया है, हमारे पास सबूत है कि हमें फीओ ने मीटिंग करने के लिए बुलाया, और फीओ ने बोला है कि 1 आदमी की 5 मीटिंग करवाएंगे कम से कम, और 5 मीटिंग करके देंगे। You should be banned in MP. They have no responsible person over here. Since 10 morning 10 AM we are standing over here. सुबह 10 बजे से कोई रिशु मैम है, कोई अमित पेराठाई है, कोई शुभम दुबे है, they are not coming to the hall, they are not coming to the gate. Is this the person? वो लोग हमारा फोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, की तरफ से हमने पैसे लिए हैं। अरे लोगों ने 6000 रुपए दिए, 6000 रुपए ले लिए लोगों से, ये कोई तरीका होता है? और बात हो रही है, देखिए बात कोई पैसे की नहीं है, देखिए बात पैसे की नहीं, हमारा दिन, हमारा टाइम कीमती है। व्यापारियों को आप इस तरह खड़ा करेंगे यहाँ पे? वी आर द बैकबोन ऑफ दिस स्टेट, हमारे साथ आप ऐसा करेंगे? वी आर एक्सपोर्टर्स, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम बैकबोन की स्टेट है, हम लोग इस स्टेट को टैक्स भरते हैं। और ऑफिशियली फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन से ऋषु मिश्रा जी, शुभम दुबे जी हमारे आए थे रतलाम में, मंदसौर में, नीमच में, और प्रोग्राम करके गए और हमें इनवाइट करके गए, और हमारा 3 दिन से फोन पिकअप नहीं कर रहे। आपका नाम बताइए? वरुण पोरवाल, मालवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के स्टेट सेक्रेटरी।